बंगोपसगर बात्या आसानी आसानी अर्थ क्रोध श्रीलंका यार ना रखी दक्षिण पूर्व बंगोपसगर सूच लघुचाप बात्यार परिणत हो गभर अवपात पर सृष्टि बात्या आसानी या 24 घंटा भितर सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म परिणत हो पुरी ठारु दक्षिण दक्षिण पूर्व दिगरे 1020 किलोमीटर दूर से केन्द्रीभूत हो 16 किलोमीटर बेगरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर ए समय पवन बेग 70-80 किलोमीटर सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रूप धारण करने पवन बेग घंटा प्रति 105-115 किलोमीटर पवन बेग बढ़ी 125 किलोमीटर छुई पारे 9 तारीख में घंटा प्रति 105-115 किलोमीटर एवं बढ़ी 125 किलोमीटर रही पारे समांतराल भाव में यह ओडिशा उपकूल दे अतिक्रम करिबो किंतु ओडिशा छुईब ना अर्थात ओडिशा रे लैंडफॉल करिबो ना ओडिशा पाई आश्वस्तिकर खबर दी भारतीय पाणिपाग विभाग संभाव्य बात्या एवं बात्या असानी प्रभाव में 10 उपकूल ओडिशा रे वर्षा पवन हेबो 3 जिला गजपति गंजाम एवं पुरी रे 10 तारीख रे प्रबल वर्षा हेबो 10 रे गजपति गंजाम और पुरी जिले में प्रबल बर्षिबो 7-11 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा हो पारे से भली 11 तारीख में गंजाम खोर्धा पुरी जगत सिंहपुर और कटक ए जिला गुड़िक 11 तारीख में प्रबल वर्षा संभावना रही से भली 12 पुरी जगत सिंहपुर कटक केन्द्रापड़ा भद्रक एवं बालेश्वर में प्रबल वर्षा हेबो 9 तारीख रु समुद्र अशांत रहिबो सेथिपाई 11 तारीख पर्यंत मत्स्यजीवी को समुद्र भितर को प्रवेश करने को बारण कर एवं स्थिति उपरे सतर्क नजर रखिछन्ति राज्य सरकार एवं स्थितिर मुकाबिला पाई सजग रहिछन्ति जिलापाल मानंकु आवश्यक पदक्षेप नेबाकु कहा जाइछि। गभीर अपात एवं बात्यार रूप नहीं आम सह अच्छा आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र वैज्ञानिक उमाशंकर दास आलोचना करवा सर बात्यार रूप नहीं कौन रही अपडेट कौन रतिविधि कौन दक्षिण पूर्व बंगोपसगर आमर वर्तमान जो रोज गत काली जो गभीर अवपात्री वर्तमान घनीभूत हो आहरी शक्तिशाली होती है और सामुद्रिक झड़ बात्या असानी में परिणत हो जहाँ वर्तमान लास्ट 6 घंटे जो देखा पाखापाखि उत्तर पश्चिम दिगरे घंटा प्रति आम रोज 16 किलोमीटर बेगर यह गति कर एवं अनुमान करा जाए आगामी 24 घंटे यह आहरी घनीभूत हो गोटे भीषण बात्या सीभियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रूप नेबार संभावना रही है। परवर्त समय जोटा आम जो रोज जो बात्याटी जो गतिर दिग रोच उत्तर पश्चिम गतिर दिग बजाय रखर जहाँ अनुमान कर 10 तारीख सन्ध्या बेलू यह पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसगर पार्श्वर्त जो रोज समुद्र मध्य उत्तर आंध्र ओडिशा उपकूल पखापाखि पहुँचार संभावना रही तापर यह गतिर जो दिग रोच ता परिवर्तन होबार संभावना रही जोटा कि आम उत्तर उत्तर पूर्व दिगरे उत्तर पश्चिम बंगोपसगर ओडिशा उपकूल मुहाँ हबार संभावना रही यह प्रभाव में आम पवन रेग जोटा रोच अनुमान कर सर्वाधिक पवन 105-115 झटका पवन 125 किलोमीटर बेगर रहिबार संभावना रही आम अनुमान कर जोटा कि जो 9 तारीख ठार केन्द्रीय बंगोपसगर अंचल समुद्र अधिक अशांत रहा धीरे धीरे 10 तारीख में पश्चिम केन्द्रीय उत्तर आंध्र ओडिशा उपकूल 11 तारीख जाए समुद्र अशांत रहिबार संभावना रही मत्स्यजीवी मानक आमर 9 तारीख में केन्द्रीय बंगोपसगर 9 और 10 तारीख पर 11 तारीख जाए परवर्त सूचना जारी होगापी पर्यंत ओडिशा उपकूल मध्यक न जावाई बारण कर छड़ा आमर जो मत्स्यजीवी मैंने जो मैंने गभीर समुद्र में अच्छा 10 तारीख सकाल सुधा उपकूल फेरी आसपा सूचना जारी करम तरफ वर्तमान जो रोज मुख्यतः भाव ओडिशार समस्त बंदर गुड़िकाई विपद संकेत 1 जारी करोटा कि आम डिस्टान्स कसनारी सिग्नाल 1 जारी कर सर बात्या आसनी ओडिशार कौन सी स्थलभाग छुईबार आशंका अच्छी कि गत काली थारु बारंबार आपको सूचना जारी करा जोटा कि उपकूल यह अतिक्रम कर कौन सी संभावना ना उपकूल को जो पारा समांतराल भाव उपकूल दे गति कर अर्थात पारालाल कोस्ट को गति कर संभावना रही छड़ा आमर जो देखा आमर वर्षार प्रभाव आप 10 तारीख संध्या पर ठार आरंभ हो संभावना रही 10 और 11 तारीख संध्या पर आमर उपकूल ओडिशार अनेक स्थान में हालुकारु मध्यम धरण 11 तारीख में मध्य रहिबो 10 तारीख में 3 जिले में प्रबल वर्षार संभावना थी येलो वार्निंग जारी कर 11 तारीख में 5 जिले में आम येलो वार्निंग जारी 10 तारीख में आम रोज गजपति गंजाम पुरी सेपरी 11 तारीख में आम रोज गंजाम जगत सिंहपुर खोर्धा कटक
एवं पुरी ये जो पांच जिले में आमर गोटे दुईट थाना बर्षार परिमाण 7 सेंटीमीटर रु 11 सेंटीमीटर मध्य रहिबार संभावना रही है से येलो वार्निंग जारी कर आज क्यों क्यों जिले में बर्षा हो पवन रेग के देखो तो काल वर्तमान जो बर्षा रोचे ओडिशा काल बैशाखी प्रभाव रोचे गत काली मत भद्रक बालेश्वर यह सब जिले में काल बैशाखी प्रभाव दिला आज उपकूल ओडिशा किसी अंचल काल बैशाखी देखा मिले आभ्यंतर में किसी स्थान में काल बैशाखी प्रभाव रहा संभावना रोचे आम सह आंचलिक पापाग विज्ञान केन्द्र वैज्ञानिक उमाशंकर दास कहते कि बात्या आस्ते आस्ते घनीभूत हो गभर बात्यार परिणत हो समस्त मत्स्यजीवी मानक समुद्र भितरक जावाई बारण करेतु समुद्र अशांति रशांत रेणु समुद्र भितरक जावाई मत्स्यजीवी मानक बारण करपटे समस्त बंदर को विपद एक नंबर विपद संकेत सूचना देती।